तो यहाँ पे दिखाई गई सारी प्रोडक्ट्स टच और वाईफाई बेस्ड हैं, जिसमें स्विचेस, फैन रेगुलेटर, डिमर, कर्टेन कंट्रोलर और बेल स्विच है। ये रेट्रोफिट प्रोडक्ट है जो कि एग्जिस्टिंग गैंग बॉक्स यानी कि कंसील बॉक्स में आसानी से फिट होता है। यहाँ पे मौजूद स्विच को टच स्विच से बदलने का तरीका दिखाया जा रहा है। ये स्टैंडर्ड मॉड्यूलर प्लेट्स में फिट होने के लिए बनाए गए, जैसे कि रोमा, हाईफाई, वंडर, राइडर, एलेक्स, विहान, विनय, कलर्स, रेड कार्ड, एमरॉन जैसी कंपनियों की प्लेट्स। आप अपने इस्तेमाल के हिसाब से सॉकेट, स्विच, फैन और बाकी एसेसरीज का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। इसमें सिर्फ दो इनपुट वायर्स हैं, फेज और न्यूट्रल। बाकी लाइन आउट है जो आपके डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होंगी। इसको लगाना इतना आसान है कि आप खुद ये कनेक्शंस कर सकते हैं। किसी स्पेशली स्किल्ड इलेक्ट्रिशियन की आपको जरूरत नहीं है। ये कैपेसिटिव टच टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जिससे इसका रिस्पांस काफी जल्दी होता है। स्विच स्टेटस डुअल कलर एलईडी इंडिकेशन से दिखाया जाता है। अगर स्विच ऑफ रहेगी तो बटन व्हाइट दिखेगा, अगर स्विच ऑन रहेगी तो बटन ब्लू दिखेगा। ये डिवाइस एंड्रॉइड, iOS मोबाइल से स्मार्ट लाइफ या टूया एप्लीकेशन द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। एप्स में मल्टी यूजर्स, शेड्यूल, टाइमर्स, ग्रुप्स, सिनेरियो आप क्रिएट कर सकते हैं। ये डिवाइस मैकेनिकल स्विच की तरह पावर चले जाने पर स्विच स्टेटस को याद रखता है। स्विच कंट्रोल बाय मोबाइल एप्लीकेशन, स्विच टू ऑफ, स्विच टू ऑन, स्विच वन ऑन, स्विच वन ऑफ, स्विच टू ऑफ। फैन कंट्रोल विद मोबाइल एप्लीकेशन, स्विच ऑन फैन। यहाँ पे पिछली स्पीड एक पे थी, स्पीड टू, स्पीड थ्री, स्पीड फोर, स्पीड फाइव, स्विच ऑफ फैन। वॉइस कमांड जैसे कि Amazon Alexa, Google Home और Apple Siri के साथ कंपैटिबल है। Alexa, लाइट वन बंद करें। Alexa, लाइट टू बंद करें। Alexa, लाइट टू चालू करें। इसमें हल्का सा कीला पोछा लगा के टच एरिया को वायरस और बैक्टीरिया फ्री कर सकते हैं। इसमें हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज आइसोलेटेड होने से शॉक लगने का खतरा नहीं।